मोतीलाल का मकान गिर रहा है, कोर्ट का आदेश है, फर्स्ट एडिशनल सिविल जज सीनियर विंग कोर्ट संख्या एक के आदेश में, कानपुर देहात कोर्ट कानपुर बिहार। कब से कब्जा किए थे, क्या है, कितनी जमीन है, कितनी अब खाली करा रहे हैं? ये तो मुकदमा जो 83 का था, ठीक है, जो मेरे पास पेपर है उसके अकॉर्डिंग। कितनी जमीन है, अब जमीन की जानकारी मुझे नहीं, कोर्ट में जितना मुझे डायरेक्शन हुआ, जो कितना गिराने का कोर्ट ने आदेश दिया? कोर्ट में मोतीलाल का मकान बना था उतने का। पूरा मकान उन्हीं का हुआ? हाँ मोतीलाल। लगभग कितना संघर्ष करना पड़ा, कितने सालों संघर्ष कर रहे थे? अब ये तो वो बताएंगे, इसके लिए मैं क्या बताऊँ। कब आदेश हुआ था कोर्ट का आदेश अभी कोर्ट का 23/9/22 को हुआ गिराने का, गिराने का? या इनको इनको आदेश, इनको नोटिस वोटिस सब सब किया गया? नोटिस ठीक वोटिस गई, रसीदे है। तो हैं मेरे पास, कोई दिक्कत कहाँ रहते हैं आप? पोखरा में रहते थे, जहाँ वो मकान गिराया गया है अभी कुछ नहीं। ही में रहते थे। तो वो मकान तो आपका है नहीं, वो कोर्ट का आदेश है गिराने मकान तो का, हमारा ही है। आपका कैसे? हाँ हाँ, अब वो भाई ये प्रशासन जो है नहीं का है तो नहीं है। नहीं तो उसमें तो मुकदमा जीते हैं ना वो लोग, तो कोई नहीं कहाँ जीते मुकदमा, हम जीते हैं से जीते हो हाई आप? कोर्ट से। कागज दिए थे आपने यहाँ पर? कागज लड़के के पास सबसे दिए नहीं, प्रशासन को कागज दिए थे आपने? होंगे लड़के ने। हाँ हाई कोर्ट से आदेश था क्या आपके पास? हाँ क्या आदेश था? जीते का आदेश है। हाँ, अच्छा, तो जमीन किसकी थी? जमीन तो वो जमींदार से खरीदी 1960 में हमारे बाप ने, क्या नाम था आपके पिताजी? हमारे बाप का शोभा राम। कब खरीदी थी? 60 में? हाँ 1960 में कितनी जमीन खरीदी थी? वो खरीदी थी, 40 फीट और 65 फीट। उसी पे मकान बना था क्या? हाँ उसी बना था। तो उसके कागज आपने प्रशासन को दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? कागज लड़के ने दिखाए होंगे। अच्छा, हाँ तो ये मकान गिराया फिर क्यों जा रहा है, अगर आपका पता नहीं मकान है? क्यों गिराया, ये आपको बताया गया? ना बताया गया बताया भी नहीं गया? ना। तो आप कहाँ पे अभी बैठे हो? अब यहाँ बैठे हैं थाने में, क्यों, आपको क्यों बैठाना? पता नहीं है। हम शांति पाठ करने गए थे बाहर, यही गाँव सुकाई तारा के पास, तो वहीं संस्कार किया तो उन्होंने हमें दक्षिणा दिया है। अब वहां से हम यहाँ आए तो घर समझ गए, तो हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया और गाड़ी बैठा लिया और यहाँ थाने में ले आए। देखिए, पुखराया में किदवई नगर स्थान पर मुख्य रोड पर एक अवैध कब्जे को हटाने का न्यायालय का आदेश था, जिसके क्रम में नगर निगम, राजस्व और पुलिस की टीम संयुक्त रूप से वो अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए वहां पे गए थे। उसी के दौरान जो जिस व्यक्ति ने अवैध कब्जा किया था उसके द्वारा पथराव किया गया। इस क्रम में उसको, उनके यहाँ दो लोगों को हल्की चोटें आई हैं, उनको न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया और उनको 151 के तहत उनको जेल भेजा जा रहा है।